हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैपकट में हाई क्वालिटी रील्स वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, मतलब अपनी नॉर्मल क्वालिटी की रील्स वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो हम एडिट करने वाले हैं कैपकट एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आपके पास एक कैपकट ऐप होना चाहिए, एंड अगर आपके पास एक कैपकट ऐप नहीं है देन इसे आप थोड़ा सा सर्च वगैरह करके इंस्टॉल कर लेना। और कैपकट को यूज करने से पहले आपको किसी वीपीएन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे वीपीएन मिल जाते हैं, वहां से आप कोई भी एक इंस्टॉल करके उसे आप ओपन करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे सुपर वीपीएन को ओपन कर लिया। फिर कनेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। कनेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना होगा, देन आप ऑटोमेटिकली वीपीएन से कनेक्ट हो जाओगे। आप यहां पे देख सकते हो, देन आपको जस्ट यहां पे बैक करना है, इसे आपको मिनिमाइज कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपने कैपकट ऐप को ओपन करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देन आपको यहाँ एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप फोटो वाले सेक्शन में हो तो वीडियो वाले सेक्शन में आ जाओ। और यहाँ पे आप अपना वीडियो को जस्ट सेलेक्ट कर लो जिसे आप एडिट करना चाहते हो। जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ऐड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आपका वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और मैं इसे प्ले करके दिखाऊँ, देन आप देख सकते हो बिल्कुल एक नॉर्मल सी वीडियो है। ठीक है, तो चलिए फिर इस नॉर्मल सी वीडियो को हम एडिट करते हैं और बिल्कुल इसका क्वालिटी को इंक्रीज करके बोल सकते हो 4K हाई क्वालिटी, जो भी आप बोलना चाहो उसमें हम इसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और सबसे बेसिक काम आपको कर लेना है जो कि है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आप वीडियो के ऊपर क्लिक करो, फिर आपको यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे, इनमें थोड़ा सा स्क्रॉल करना, आपको एडजस्ट का यहाँ ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करने के काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं, लाइक आप देख पा रहे हो। इन्हीं में ना यहाँ पे आपको एक नया टूल देखने को मिल रहा होगा, आप ये देख सकते हो वीडियो क्वालिटी का। ये जो वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन है ना, इसके ऊपर क्लिक करके ये जो इमेज क्वालिटी का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे HD और अल्ट्रा HD है तो अल्ट्रा HD को सेलेक्ट करना। बेसिकली ये जो अल्ट्रा HD ऑप्शन है, ये एक कैपकट का AI है जो कि आपका वीडियो का क्वालिटी को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये चीज को आपको जस्ट यहां पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एडजस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे जिनसे कि आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपको यहां पे ब्रिलियंस और ब्राइटनेस मिलता है, इनकी मदद से आप यहां पे लाइट को एडजस्ट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल ब्राइटनेस इंक्रीज करे तो लाइट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज करे तो डिक्रीज हो रहा है। सो यहां पर मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ क्योंकि हमारे वीडियो में ऑलमोस्ट काफी सही लाइट है। ठीक है, उसके बाद एक्सपोजर को अगर हम यहाँ पे थोड़ा कम करें तो आप देख सकते हो लाइट थोड़ा सॉफ्ट हो जा रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है हमारी वीडियो, तो ये आप कर लेना। फिर यहाँ पे अगर आप कलर को एडजस्ट करना चाहो तो आपको सेचुरेशन का ऑप्शन मिलेगा, इससे कम या फिर ज्यादा कर पाओगे तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इंक्रीज करना जितना सही लगे। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए आपको यहाँ पे एक शार्पन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे इसे पूरा भी इंक्रीज कर सकते हो या फिर जितना आपके वीडियो में सही लगे उतना आप इंक्रीज करना। जैसे कि इतना इंक्रीज करने से इनफ है तो इतना ही मैं इंक्रीज कर रहा हूं। और बाकी तो यहां पे हमने AI को काम दे ही दिया, आप यहां देख सकते हो प्रोसेसिंग हो रहा है, आपको यहां पे प्रोसेसिंग का डिटेल भी दिख रहा होगा। कैपकट का AI ऑटोमेटिकली हमारी वीडियो का क्वालिटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, बेसिक एडजस्टमेंट हो गया और हमने AI को ये काम थमा भी दिया है, हमारी वीडियो का क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है। अब यहां पे आपको एक छोटा सा काम करना है और वो काम ये है कि आपको अपने वीडियो के ऊपर एक इफेक्ट ऐड करना है जिससे कि आपका वीडियो का क्वालिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस इफेक्ट को ऐड करने के लिए इफेक्ट को आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना, फिर वीडियो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे मतलब काफी सारे इफेक्ट कैटेगरी वगैरह मिलते हैं, तो इनमें से आपको थोड़ा स्क्रॉल करना और ये जो लेंस वाले कैटेगरी है इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करोगे देन यहाँ पे आपको काफी सारे HDR इफेक्ट मिलेंगे जिनमें कि आपको ये जो स्मार्ट शार्पन इफेक्ट है इसे सेलेक्ट करें। ठीक है, इसे जैसे ही आप सेलेक्ट कर लोगे आप देख सकते हो आपके वीडियो के ऊपर एक इफेक्ट ऐड हो गया जिसके कारण आपका वीडियो का क्वालिटी काफी इंक्रीज हो गया है, लेकिन थोड़ा सा कलर्स को इसने गड़बड़ कर दे, उसे आप ठीक कर सकते हो।
जस्ट आप यहाँ पे इसे डन कर लो। डन करने के बाद आपको एडजस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, कम कर दो, कलर्स अच्छे हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको एक ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, इसे भी आप बिल्कुल जीरो कर देना। जैसे ही जीरो करोगे देना, आप यहाँ देख सकते हो वीडियो का क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, और ये क्वालिटी को आप यहाँ पे शार्पिन की मदद से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ जीरो करें तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल क्वालिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है। यहाँ इंक्रीज करते जा रहे हो तो आप देख सकते हो जितना इंक्रीज कर रहे उतना ज़्यादा हमारी वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे इतना सही लग रहा है, सो मैं यहाँ पे इतना रखता हूँ। आपकी वीडियो के ऊपर जितना सही लगे उतना आप रखना, एंड उसके बाद डन करना। फिर से आप पूरे वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, और ये इफेक्ट ऐड करने से आप यहाँ पे डिफरेंस देखो, कुछ ऐसा से कुछ ऐसा हमारे वीडियो हो गया, मतलब क्वालिटी काफ़ी इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसे अप्लाई करना और पूरे वीडियो को लास्ट तक रख देना, एंड वाटर मार्कर लास्ट में तो डिलीट कर देना, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी वीडियो कम्प्लीटली एडिट हो चुका है, और आप देख पा रहे हो क्वालिटी कितना अच्छे तरीके से इंक्रीज हो गया है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हमने सबसे पहले एडजस्टमेंट किया जिससे कि कलर वगैरह काफ़ी अच्छा हो गया, और उसके बाद वीडियो क्वालिटी वाला ऑप्शन भी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये बिफोर दिखाता हूँ, जिसमें कि ये इमेज क्वालिटी वाला ऑप्शन अप्लाई नहीं है। आप ये देख सकते हो नॉर्मल क्वालिटी लग रहा है, वही अगर ये जब अप्लाई होता है तो आप देख पा रहे हो क्वालिटी काफ़ी इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, तो इसे भी आप जरूर से करना, ओके। तो आप यहाँ सीख चुके हो कि कैसे अपने वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज किया जाता है, बस दो तीन स्टेप को करके। अब यहाँ पे ना एक एडिशनल चीज़ अगर आप करते हो तो आपको वीडियो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। आप वीडियो के ऊपर क्लिक करो, थोड़ा स्क्रॉल करना, आपको यहाँ एक रिटच का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके फेस के ऊपर आप आ जाना, ठीक है। यहाँ आप आओगे ना तो आपको काफ़ी सारे ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप अपने फेस को एडिट कर सकते हो। जी हाँ, एडिट करके गोरा वगैरह कर सकते हो, स्मूथ कर सकते हो अपने फेस को। मतलब अगर आपके फेस में थोड़े पिंपल्स वगैरह हैं या फिर थोड़ा डार्क स्पॉट वगैरह है तो उन्हें आप हटा सकते हो। लाइक आपको यहाँ पे ये दो ऑप्शंस मिलेंगे, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना, तो आप देख पाओगे फेस और स्मूथ हो जाएगा। बेसिकली इनका फेस काफ़ी स्मूथ ऑलरेडी है, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये ऑप्शन है, इनकी मदद से आप फेस को और स्मूथ कर सकते हो, देख पा रहे हो। इसे हम यहाँ पे इंक्रीज करें तो और भी ज़्यादा ये स्मूथ हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा कर लेता हूँ, और ये जो स्किन टोन है इसकी मदद से यहाँ पर आप फेस को गोरा कर पाओगे। जैसे कि स्टार्टिंग वाले को सेलेक्ट करो तो आप देख सकते हो गोरा हो गया, और अगर इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो और गोरा हो जाएगा। और अगर गोरा करना चाहो तो डन करना, फिर यहाँ थोड़ा आगे आओगे तो ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा, इसे इंक्रीज करना, और भी गोरा हो जाओगे, बट ये कुछ ज़्यादा ही है तो मैं यहाँ पे थोड़ा कम कर लेता हूँ। फिर इसे डन करते तो आप यहाँ देख सकते हो ये फेस और भी ज़्यादा बेटर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा रिटचिंग वगैरह करके भी अपना फेस को काफ़ी बेहतर बना सकते हो। सो यहाँ पे हमारी वीडियो कम्प्लीटली एडिट हो चुका है। अब इसे अपने डिवाइस में जस्ट सेव करने के लिए आपको यहाँ 1080 के ऊपर क्लिक करना है, सभी को बिल्कुल मैक्स से करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना, सो डैट आपका वीडियो का क्वालिटी लूज ना हो और बिल्कुल हाई क्वालिटी में आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए, ओके। तो आज की इस वीडियो पर इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।